पूर्णिया के सहारा एडवांस्ड वर्ल्ड स्कूल में एजुकेशनल एक्सपो सीजन 2 का आयोजन किया गया, जिसमें नई शिक्षा नीति पर आधारित बच्चों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया जो उन्होंने शैक्षणिक वर्ष के दौरान सीखा है। प्रदर्शनी में भाषा, गणित, विज्ञान और SST के विभिन्न मंडप थे जो विभाग के सभी संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्देशित थे। दरअसल हमेशा से सहारा एडवांस्ड वर्ल्ड स्कूल में इस तरह के आयोजन को चेयरमैन डॉक्टर शफीक आलम और PRO रूपक सिन्हा द्वारा समर्थन किया जाता रहा है, जिसके फलस्वरूप आज दूसरा एक्सपो लगाया गया, जिनके पास मध्यम वर्ग के परिवार को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि है। इस एक्सपो का नेतृत्व प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत घोष और वाइस प्रिंसिपल गौरव कुमार ने किया। इस अवसर पर सहारा विद्यालय परिवार को छात्रों के अभिभावकों का भी समर्थन काफी मिला, जो नए नामांकन देने के इच्छुक नजर आए। इस एक्सपो में बच्चों के अभिभावक के बीच एक इंटरैक्टिव सत्र चला, जहां उन्होंने अपनी शंकाओं को दूर किया। आयोजन के दौरान पंजीकरण शुल्क पर विशेष छूट और बालिकाओं के शिक्षा पर मासिक शुल्क पर 10% की छूट दी गई है। देखिए एक्सपो की कुछ झलकियां। आप देख रहे हैं SGN न्यूज़, मुद्दे की बात आपके साथ। मैं 16 शताब्दी की
कृष्ण भक्त तथा कवित्री। मेरा जन्म 1498 के वाराणसी में हुआ था। मेरी मृत्यु 1546 में हुई थी। मेरे गुरु संत रविदास थे। धन्यवाद। मेरा नाम सुभद्रा देवी है। मेरा जन्म 1904 में हुआ था और मैं कवित्री हूँ। मैंने बहुत सारे कविता लिखे हैं। सबसे प्रसिद्ध है झांसी की रानी। मैं उसमें कुछ शब्द सुनाना चाहती हूँ। सिंहासन ये लुटे राजवंशों ने भुगुती तानी की, बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी की। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। घूमी हुई आज़ादी की वह सबने पहचानी थी। चमक उठी सन 57 वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। मैं महादेवी वर्मा, मैं हिंदी भाषा की कवित्री हूँ। मेरा जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ। मेरी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हुई, जैसे अग्नि रेखा, संध्या गीत, रसीम इत्यादि, ये प्रसिद्ध हुई। और मेरी मृत्यु 1987 में हुई। मैं मोहम्मद इकबाल नसीरुद्दीन, अविभाजित भारत के प्रसिद्ध नेताओं जैसे थे। मैंने उर्दू और फारसी में कई आधुनिक काल में कई कविताएँ लिखी है। मेरा जन्म 1 नवंबर 1877 ईस्वी सियालकोट, जो आज पाकिस्तान में। मेरी मृत्यु सियालकोट में। दत्त था। मेरा जन्म 12 जनवरी 1869 कोलकाता में हुआ था। मैंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। मेरे जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। मेरी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। धन्यवाद। मेरा पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। मैं हिंदी साहित्य का एक महान संत कवि था। रामचरितमानस जैसे गौरव ग्रंथ मैंने लिखे हैं। मेरा जन्म 1511 ईस्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेरे गुरु नरहरिदास थे। मैंने रामचरितमानस विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा इत्यादि की रचना की। मेरे मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। देश दुनिया भर में सबसे अधिक खाया जाने वाला फल है। प्रतिदिन एक सेब खाने से हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। मैं हूँ नारंगी। इसके सेवन करने से सर्दी जुकाम टीबी और जामा जैसे रोगों का उच्चारण होता है। अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाता है। आम एक रसीला फल होता है, इसे भारत में फलों का राजा भी बोलते हैं। मैं हूँ गाजर। यह आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और यह probability is number of events upon number of samples.
model of factor. Now, what are factors? Factors are the number of which divide the given number completely. On behalf of Science Pavilion, welcome you all.
here is the example of the electric generator. As we see that the bead with the tightened rope and the nail in the inside, as we move, the generator has moved. And the, by inducing the current on, from the mechanical energy to the electrical energy, we can see the RGB light is working. Thank you. Box and then the heat gets trapped by the top glass like a greenhouse effect and the heats of cooking utensils. Management guide us. Thank you. Today I will explain you. Good afternoon. I am Shan. Today I will explain you about the process of digestion. The process of digestion starts in the mouth. Then the food is in the tube and saliva is mixed with it. Then the food goes to food pipe. From there the food goes to stomach. The juices which are acidic in nature are mixed with it. After that, the food goes to small intestine. A major process of digestion starts there. The nutrients are absorbed in small intestine. After that, the food goes to large intestine. There, the water is absorbed. Then, the waste materials are sent out in form of feces through penis. Venism and guidedness. Thank you. From grade 6, today we are doing modern experiment of working mode of solar and lunar energy. As we know that our Earth rotates around the sun, our moon is rotated around the Earth. During this time, when the moon comes between the sun and Earth, the shadow are formed and the major part of the Earth is dark. It is known as solar eclipse. Loudly, bolo. And when the Earth comes between the Sun and the Moon, then the cosmic shadow on the Moon, then this phenomena of unity is occurs. Thank you. Hello, everyone. Welcome to live experiment. We are showing reaction between acid and base. And here, acid is vinegar and base is baking soda. When we add vinegar with baking soda. Carbon dioxide is formed. See the bubbles. It's mean the carbon dioxide is formed. And the carbon dioxide is a gas which needs space to escape. So the balloon fills with the carbon dioxide and the balloon inflates. Now I am going to drop a lemon inside the water. As you can see, lemon sinks because the density of the lemon is more than the density of the water. Now I will dissolve salt in a glass of water. I am dropping this lemon in salted water. Now you can see that the lemon is floating. This is because salt added in water, the density of water increases and becoming more than that of the lemon. Lemon floats in second place. This is only the reason that's why objects float in Dead Sea. Because Dead Sea is most aligned lake in the world. Thank you. And I am Rajesh from Grade 7. We pour some water in glass. Now we suck some water and floating while it of the straw with its finger. As you can see, water is not flowing out from the straw. But when I remove my finger, water is starting flowing. This is because the finger on
straw, releasing the pressure of air from above the straw. But when he removed the finger, the water started flowing. The greater pressure of air holds the water, and when finger out, the water starts flowing. Thank you. On the behalf of Science Pavilion, I with my friend Shaiz Khan is here to explain the process of electrolysis. It is a process of breaking down of water into hydrogen and oxygen with the help of electric current. The positive charge is known as cathode and the negative charge is known as anode. So here we have a glass of water with the battery connected to the copper line. As you put the positive charge in it, and after that negative charge, as you can see, these bubbles are started forming from the positive charge. This is the process of electrolysis. In the electrolysis, hydrogen and water means when pass an electricity, it divides into hydrogen and the oxygen. The hydrogen collected at the cathode and the oxygen collected at the anode. After this process, the oxygen bubbles are generated in. Thank you.
सीजन टू। इससे पहले ये कड़ी है एजुकेशनल एक्सपो का पहली बार जब स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था 2021 में, उस बार भी एजुकेशनल एक्सपो रखा गया था। ये उसी का सीक्वेंस है या कड़ी है एजुकेशनल एक्सपो टू। इसमें हम लोग बेसिकली रखे हैं कि बच्चों को दिखाने के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं अपने स्कूल में, किस तरह का प्रोग्राम चला रहे हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ट्रेंड करने के लिए, पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को ट्रेंड करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम चला रहे हैं। और हम लोग का ये विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रेंड करें, एजुकेट करें, और ताकि वो इंटरनेशनल स्तर पर आ सके और कंपटीशन फेस कर सके, अच्छा कर सके, समाज में अच्छा करे, अच्छा पढ़ाई हासिल कर सके। यही हम लोग का मेन मोटो है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का एजुकेशनल एक्सपो रखा गया है ताकि पेरेंट्स देखें कि कैसे बच्चे क्या कर रहे हैं। इसी बिना पर इसको रखा गया। गुड आफ्टरनून टू ऑल द ऑडियंस एज वेल एज पेरेंट्स हु आर एसोसिएटेड विद सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल। अभी जो इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देखेंगे, जो ये कवरेज आपको दिखाया जाएगा, इसमें मेनली जो आज हमारे यहाँ 27 फरवरी को था वो था एजुकेशनल एक्सपो, जिसके बारे में पहले भी हम लोगों ने एडवर्टाइज़ किया था, लोगों को इनवाइट किया था, और आज उस इनविटेशन को एजुकेशन में कन्वर्ट करने का हम लोगों का दिन था। बहुत ही ज़ोर शोर से बच्चों ने काम किया उस एजुकेशनल एक्सपो में, जो एक दर्शाता है जो हम लोग अभी करेंटली CBSE इन्फॉर्म कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए और आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग के लिए। ये दोनों के मिक्स एंड मैच को हम लोगों ने कैसे सिर्फ 7 महीने मिले इस पूरे एकेडमिक सेशन में, लेकिन हमारे बच्चों ने किस तरीके से हमारे भरोसे से ऊपर जाकर काम किया है, मेहनत किया है, और हर मॉडल्स को, हर थ्योरी को उन्होंने प्रैक्टिकली कन्वर्ट किया है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस कवरेज में देखने को मिलेंगी। और एज अ वाइस प्रिंसिपल मैं पूरे पूर्णिया कोशी एरिया के जितने भी गार्जियन हैं जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन और एकेडमिक्स में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। निश्चित तौर पे आप एक बार हमारे विद्यालय में विज़िट करें और बच्चों से बात करें, यहाँ के फैसिलिटेटर्स और जितनी भी लोग हैं जुड़े हुए मैनेजमेंट के भी, वो भी इजीली अवेलेबल हैं आपसे बात करने के लिए। कहीं पर भी इस तरीके का बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा हुआ है। वी आर वेरी इजीली अप्रोचेबल टू द पेरेंट्स एंड वी आर 24/7 डेडिकेटली वर्किंग फॉर द बेनिफिट एंड द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एंड द स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले जो फंक्शंस होंगे विद्यालय में, उसमें भी बढ़ चढ़ कर लोग आएंगे और उनका समर्थन और साथ मिलेगा। और पूरे फरवरी तक सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल में बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन हमने नए सेशन के लिए ऑफ रखा है, और साथ साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट विद्यालय दे रहा है सिंगल गर्ल चाइल्ड पे, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे आने वाले जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनके लिए सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल आपको अपडेट करता रहेगा और आपके आगमन की उम्मीद करेगा। थैंक यू सो मच।